नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एक्सपेक्ट, आई होप दैट यू आर ऑल वेरी वेल एंड डूइंग योर स्टडीज, स्पेंडिंग मोर ऑफ योर टाइम इन स्टडीज। तो चलिए फिर हम चलते हैं हमारे क्लास 10 के इंग्लिश के यूनिट 2 के सेकंड लेसन नंबर 2 के यूनिट 2 लेसन नंबर 2। ओके, तो लेसन का नाम है द बॉय हु ब्रोक द बैंक बाय रस्किन बॉन्ड। ओके, अभी यहां पर बहुत जरूरी है ये शब्द समझ लेना। ब्रोक, ब्रोक का क्या मतलब होता है? ब्रोक इज अ पास्ट टेंस किस चीज का? ब्रेक का। ओके, ये एक है, पर ब्रोक ये अपने आप में ही एक प्रेजेंट टेंस है। चले, तो क्या है ब्रोक? ब्रोक का मतलब क्या होता है? तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि ये जो शब्द यहां पर यूज हुआ है, जिसका उपयोग किया गया है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम कहते हैं पन। ये पन है, बॉय हु ब्रोक द बैंक, मतलब इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि वो लड़का जिसने बैंक फोड़ा है, मतलब चुनी। दूसरा, ब्रोक का जो शब्द का जो अर्थ है, जो ब्रोक शब्द का मतलब है, ब्रोक इसका मतलब है दिवालिया होना, ठीक है, दिवाळा निघणं असं आपण म्हणतो ना, त्याला इंग्लिश मध्ये, त्यालाच इंग्लिश मध्ये ब्रोक असं म्हणतात। ब्रोक म्हणजे पैसे नसणे, अगदी दिवाळा निघणे, दिवालिया हो जाना, इसी को इंग्लिश में ब्रोक कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या उस लड़के ने बैंक फोड़ा या फिर वो बैंक को दिवालिया करने में उसने कुछ किया। ठीक है, तो चलते हैं इस लेसन की ओर। पहले हम कुछ लेखक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेखक है इसके रस्किन बॉन्ड, जिनका जन्म 1934 में हुआ था। ही इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, और वो भारतीय है पर ब्रिटिश मूल के है, मतलब उनके माँ बाप ब्रिटिशर थे पर वो अभी भारत में ही रह गए हैं, बाहर भारत से बाहर नहीं गए वो, और वो एक भारतीय है। He lives in his adopted family in Landor in Mussoorie, India। और वो मसूरी में रहते हैं, जो कि उत्तराखंड का एक शहर है, वहां पर अपनी एक, उन्होंने एक परिवार अपनाया है और उस परिवार में ही वो अभी रहते हैं। The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India। और भारतीय बाल साहित्य परिषद जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड लिटरेचर, चाइल्ड एजुकेशन, उन्होंने उनको सम्मानित किया है, उनका जो योगदान है बाल साहित्य में, जिसको हम चिल्ड्रंस लिटरेचर कहते हैं, उसको उन्होंने बखूबी मान्य किया है, उनको उसके लिए सम्मानित भी किया है। ही गॉट द साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड भी उनको 1992 में मिला है। 1992 he received the Sahitya Akademi Award for Our Trees Still Grow in Dehradun। He was awarded Padma Shri and Padma Bhushan respectively in 1999 and 2014। और उनको Padma Bhushan और Padma Shri भी मिल चुकी है। Padma Shri उनको 1999 में भी है और 2014 में उनको Padma Vibhushan से सम्मानित किया गया है। Ruskin Bond, तो चलते हैं फिर लेसन में वो क्या कहना चाहते हैं। नथु ग्रम्बल्ड टू हिमसेल्फ एज ही स्वेप्ट द स्टेट्स ऑफ पीपल नगर बैंक ओन्ड बाय सेठ गोविंद राव। ये हमारा जो प्रोटैगोनिस्ट है, जिसका मेन कैरेक्टर इस लेसन का जो है, इसका नाम है नथु। और वो नथु क्या है? एक झाड़ू पोछा करने वाला आदमी है, झाड़ू मारने वाला आदमी, स्वीपर है। और इस एक दिन ऐसे ही वो अपनी अपना काम कर रहा था, बैंक के सामने की जो सीढ़ियां है
वो उस पर झड़ मार रहा था और साथ में वो खुद ही को कोसे जा रहा था, क्यों मैं यहाँ पर काम करता हूँ, क्यों मैं ऐसे काम में फंस चुका हूँ, ऐसा वो कह रहा था। और वो कौन सी बैंक थी? वो बैंक थी पीपल नगर बैंक, और वो किसकी थी? वो बैंक सेठ गोविंद राम की बैंक थी। He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the streets. और उसने क्या किया? उसके हाथ में एक छोटा सा झाड़ू था, उससे वो क्या कर रहा था? जोर जोर से झाड़ू मार रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वो धूल ऐसी हवा में उड़ रही थी और उसके सर के ऊपर जाकर फिर नीचे वापस उन्हीं सीढ़ियों पर आकर वो धूल बैठ रही थी। As Nathu was banging his pan against a dustbin, Sitaram, the washerman's son, passed by. और जब वो डस्टबिन के पास आया, वहां पर उसने उसकी जो कचरा भरने की जो पैन था, वो पैन उसने एक दो बार उस पर मारा, तभी वहां से सीताराम नाम का जो एक धोबी का लड़का था, वहां से वो गुजर रहा था। सीताराम was on his delivery route. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. और सीताराम कहाँ जा रहा था? वो अपने कपड़े जो उनके पास इस्त्री के लिए आते हैं, वो किस कपड़ों को इस्त्री करने के बाद घर घर देने जा रहा था, और उसके सर पे वो कपड़ों की गठरी थी। Don't raise such dust, he called out to Nathu. और उसने नथु से कहा, क्यों ऐसी धूल उड़ा रहा है, ऐसी धूल मत उड़ा। Are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month? क्यों ऐसी धूल उड़ा रहा है? क्या आज भी तू नाखुश है क्योंकि उन्होंने तेरे महीने की तनख्वाह में 2 रुपए नहीं बढ़ाए? ऐसा वो उससे पूछ बैठा। I don't wish to talk about it, complained the sweeper boy. पर नथु ने कहा, मुझे उस बारे में तो कोई भी बात नहीं करनी है। I haven't even received my regular pay. 2 रुपए बढ़ाने की बात छोड़ दे भाई, मुझे इस महीने की तनख्वाह तक नहीं मिली है। एंड दिस इज द 20th ऑफ द मंथ, और आज 20 तारीख हो रही है, फिर भी मुझे पिछले महीने की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली। Who would think a bank would hold up a poor man's salary? कौन कह सकता है कि इतना बड़ा बैंक एक छोटे से झाड़ू मारने वाले आदमी की तनख्वाह नहीं दे पा रहा है? As soon as I get my money, I am off. जैसे ही मुझे मेरी पगार मिल जाएगी, मेरी तनख्वाह मेरे हाथ में आएगी, मैं तो ये नौकरी छोड़ रहा हूं, ऐसा उसने सीताराम से कहा। And I am off. Not another week I work in this place. और मैं एक हफ्ता भी ज्यादा इस बैंक में काम नहीं करने वाला हूं। और उसने फिर से वो जो पैर था वो डस्टबिन को दे मारा एक दो बार। इससे क्या हो रहा था? उसका जो गुस्सा था वो निकल रहा था, और वो ऐसे जताने की भी कोशिश कर रहा था कि वो जो कुछ कह रहा है वो सही है। इस तरीके से वो अपना काम कर रहा था। वेल आई विश यू लक, सेड सीताराम। और सीताराम ने कहा, ठीक है भाई, भगवान करे तुझे ये नौकरी छोड़कर कोई दूसरी अच्छी नौकरी मिल जाए। आई विल कीप अ लुकआउट फॉर एनी जॉब्स दैट माइट सूट यू। और सीताराम ने उससे कहा कि मैं भी, हो सके तो मैं भी तुम्हारे लिए कोई अच्छा काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। एंड ही प्लॉडेड बेयरफुट अलोंग द रोड। और वो बिना कोई पैर में बिना कुछ पहने ही वैसे ही वो नंगे पांव रोड से जाने लगा। द बिग बंडल ऑफ क्लोथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर्स। और उसके सर पर जो गठरी थी वो उसका पूरा सा सर और कुछ हद तक उसके कंधे भी पूरे उस कपड़ों की गठरी ने ढक लिए थे। एट द फोर्थ होम ही विजिटेड, सीताराम हर्ड द लेडी ऑफ द हाउस मेंशन दैट शी वाज इन नीड ऑफ अ स्वीपर। और तीन घर देने के बाद जैसे ही सीताराम चौथे घर में गया अपने कपड़े देने के लिए, तो उसने सुना कि उस घर की जो मालकिन थी वो कह रही थी कि उसे एक झाड़ू मारने वाले की जरूरत है। टाइंग हिज बंडल टुगेदर ही सेड, आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हु इज लुकिंग फॉर वर्क। आखिर में कपड़े देने के बाद अपने वो गठरी बांधते हुए उसने
उस औरत से कहा, उस घर की मालकिन से कहा कि मैं एक ऐसे ही झाड़ू मारने वाले लड़के को जानता हूं, उसको भी काम की जरूरत है, ऐसा वो उससे कहने लगा। He can start from next month. He is with the bank just now, but they aren't giving him his pay and he wants to leave. पर वो अपना काम आपके यहां पर अगले महीने से शुरू कर सकेगा। क्यों? क्योंकि वो अभी तो फिलहाल बैंक में काम करता है, पर वो बैंक में कतई काम नहीं करना चाहता, क्योंकि बैंक ने उसकी तनख्वाह उसे दी नहीं है, उसको बैंक से उसका पगार नहीं मिला है, और इसीलिए वो छोड़ना चाहता है। तो हो सकता है अगले महीने से वो आपके यहां पर काम पे लग जाए। Is that so? Said Mrs. Srivastava. Well, tell him to come and see me tomorrow. ऐसी बात है, श्रीमती श्रीवास्तवा ने उस सीताराम से कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा है तो आप उस लड़के को कहिए कि कल मुझसे आकर मिले। And Sitaram, glad that he had been of service to both the customer and his friend, hoisted his bag on his shoulders and went his way. और सीताराम मन ही मन में खुश होते हुए कि चलो अपना जो ग्राहक है वो मिसेस श्रीवास्तव, उनके भी मैं कुछ काम आया, और अपने दोस्त नथु के लिए भी मैं कोई काम ढूंढ पाया। इसी खुशी में उसने अपना बैग, वो जो गठरी थी वो उठाई और अपने सर पर रख दी और वो चलने लगा। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। मिसेस श्रीवास्तव जो है वो उनको कुछ खरीदी करने के लिए बाहर जाना था, शॉपिंग के लिए बाहर जाना था। शी गेव इंस्ट्रक्शंस टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी एंड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विद द मिड डे मील। और उसने अपनी आया मतलब जो उसके छोटे बच्चे की देखभाल कर रही थी, उससे कहा कि बच्चे को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और जो खाना पकाने वाली औरत थी उससे कहा, कुक से उसने कहा के दोपहर में क्या खाना, सब्जी वगैरह बनाना है, ये सब बातें उसने उनसे कही और वो अपनी शॉपिंग के लिए चलते बनी। देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस। और उसके बाद में वो पीपल नगर मार्केट की तरफ बढ़ने लगी। टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ क्लोथ शॉप्स। और रोज की तरह ही, कस्टमरी मतलब उसको एक आदत ही थी कि वो कपड़ों की दुकानें छानना और कुछ खरीदी करना, तो शॉपिंग करना। तो इस तरीके से वो पीपल नगर मार्केट की तरफ बढ़ चली, और हो सकता है कुछ आज वो कुछ दुकानों पर जाके कुछ खरीद भी ले। अ लार्ज शेडी टैमरिंड ट्री ग्रू एट वन एंड ऑफ द बाजार एंड इट वॉज हियर दैट मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट। और बाजार के एक कोने में एक बड़ा सा इमली का पेड़ था। और यहीं पर मिसेस श्रीवास्तव को उनकी एक दोस्त मिसेस भूषण जो है वो वहां पर खड़ी हुई उनका इंतजार करते हुए मिल गई। वो खुद को कड़ी धूप से बचा रही थी, ये बहुत गर्मी के दिन थे और बहुत ही कड़ी धूप थी, तो खुद को बचाने के लिए वो एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। मिसेस श्रीवास्तव को भी वो वहीं पर मिल गई। मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हरसेल्फ विद अ लार्ज हैंडकरचीफ। शी कंप्लेंड ऑफ द समर विच शी अफर्म्ड वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर। और मिसेस भूषण क्या कर रही थी, वहीं पे अपनी एक जो रुमाल था उस रुमाल के सहारे खुद को हवा देने लगी, और साथ ही साथ वो कहने भी लगी कि बहुत ही ज्यादा गर्मी है, और कह रही थी कि इतनी गर्मी पीपल नगर में आज तक कभी पड़ी ही नहीं है। तो वो बता रही थी कि ये सबसे गर्म सीजन होने वाला है, ऐसा वो मिसेस श्रीवास्तव को कह रही है। शी देन शोड मिसेस श्रीवास्तव सैंपल ऑफ क्लॉथ शी वॉज गोइंग टू बाय एंड फॉर फ्यू मिनट्स दे डिस्कस्ड इट्स शेड टेक्सचर एंड डिजाइन। और फिर मिसेस भूषण ने एक कपड़ा निकाला और वो मिसेस श्रीवास्तव को दिखाया और उसको बताने लगी कि ये कपड़ा मैं खरीदना चाहती हूँ। तो उसको दिखाया, फिर उसके बारे में, उसके रंग के बारे में, उसके टेक्सचर के बारे में, उस सभी चीजों के बारे में वो एक दूसरे से बातें करने लगी। हैविंग एग्जॉस्टेड देयर टॉपिक
बहुत देर इस विषय पर बात करने के बाद मिसेज श्रीवास्तव ने मिसेज भूषण को बताया, क्या बताया, डू यू नो माई डियर दैट सेट गोविंद राम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉइज। मिसेज श्रीवास्तव ने मिसेज भूषण को बताया, क्या तुम्हें पता है कि सेठ गोविंद राम की बैंक उनके कर्मचारियों को भी पगार नहीं दे पा रही है। Only this morning I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his wages for over a month. और क्या कह रही हो, आज सवेरे ही मैंने सुना कि उस बैंक का जो झाड़ू मारने वाला है उसको भी उसके महीने की पगार नहीं मिली है। Shocking remark, Mrs. Bhushan. If they can't pay the sweeper, they must be in a bad way. None of the others could be getting paid either. और भूषण मिसेज भूषण कहती है बहुत ही आश्चर्यजनक है ये बात, क्योंकि अगर वो झाड़ू वाले का पगार नहीं दे सकते तो हो सकता है वो किसी को भी पगार देने के स्थिति में नहीं है, किसी के भी पगार उन्होंने नहीं दी होगी, ऐसा वो कहने लगी। शी लेफ्ट मिसेज श्रीवास्तवा एट द टैमरिंड ट्री एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर फोटोग्राफी शॉप टॉकिंग विद द ओनर। और उसने मिसेज श्रीवास्तव को वहीं छोड़ दिया और वो बाजार की तरफ मुड़ने लगी। वो अपने पति को ढूंढ रही थी और आखिरकार उसको अपना पति दिख ही गया। कहां पर दिखा, वो मिस्टर कमल किशोर कदम का, मिस्टर कमल किशोर सॉरी कमल किशोर की फोटोग्राफी की जो दुकान है उस दुकान के सामने वो बैठा था और वो दुकानदार से कुछ बातें कर रहा था। So there you are, cried Mrs. Bhushan. और उन्होंने कहा तो यहां पर हो आप, मैं कितनी देर से आपकी राह देख रही थी, कितने देर आपको ढूंढ रही थी देर से। Where did you disappear? कहां पर गायब हो गए थे? Nowhere, replied Mr. Bhushan. Had you remained stationary in one shop, I might have found you. और मिस्टर भूषण उनसे कह रहे हैं, उसके पति मिसेज भूषण के पति उनसे कह रहे हैं कि क्या आप एक जगह पर रुकती हो, एक दुकान से दूसरी दुकान, अगर आप एक जगह पर रुकती तो मैं आपको ढूंढता, पर आप वैसे एक जगह पर रुकती ही नहीं हो। बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अदर लाइक अ बी इन अ फ्लावर गार्डन, पर जैसे भौरा एक फूल से दूसरे फूल पे जाता है उसी तरह आप एक दुकान से दूसरी दुकान और तीसरी दुकान पर घूमती ही रहती हो, तो मैं कैसे तुम्हें ढूंढ पाऊंगा। डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, द हीट इज ट्राइंग इनफ। अभी आप मुझसे कतई बात मत करो, पहले ही मैं इस गर्मी से बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर, और वो कहने लगी मुझे पता नहीं पीपल नगर में क्या हो रहा है। इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकक्रप्ट, पता नहीं पीपल नगर में क्या हो रहा है, ये बैंक भी दिवालिया होने के कगार पर आ चुका है। What's that? said Kamal Kishore, sitting up suddenly. Which bank? और वो अपनी जगह पे ही थोड़ा सा तन गया, उसको भी आश्चर्य हुआ कि क्या कह रही है, कौन सी बैंक, उसने पूछा। Why? The People Nagar Bank. क्यों, ये People Nagar Bank की बात मैं कर रही हूं। I hear they have stopped paying employees. और मैंने सुना है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों की पगार देना भी बंद कर दिया है। Don't tell me you have an account there, Mr. Kishore. और बात करते अपने पति से बात करते हुए उसने वो दुकानदार से भी बात करना शुरू किया और वो कहती है, किशोर क्या आपका खाता भी उसी बैंक में है, मुझे मत बताओ कि ये खाता आपका खाता भी वहीं पर है, नहीं तो आपके पैसे डूब गए समझ लो, ऐसा ही कुछ उसका कहने का उद्देश्य था। No, but my neighbor has. नहीं मेरा तो नहीं है पर मेरे एक पड़ोसी का वहां पर है, he explained, and he called out over the low partition to the keeper of the barber shop next door. Deep Chand, have you heard the latest? The People Nagar Bank is about to collapse. You better get your money out as soon as you can. और उसने कहा, तो उसने क्या किया, उसके दुकान का जो पार्टीशन था, जो दीवार थी वो बहुत छोटी थी, उसके ऊपर से उसने जो एक उसके बाजू में जो नाई की दुकान थी उस नाई की दुकान में आवाज लगाई, दीपचंद क्या तुम्हें पता है पीपल नगर बैंक डूबने की कगार पर है,
आपके पैसे अभी उसमें होंगे तो जल्दी से जाकर अपने पैसे निकाल लो, नहीं तो आपके पैसे डूब गए समझ लो। दीपचंद हु वॉज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन वॉज स्टार्टल्ड दैट हिज हैंड शुक एंड ही निक्ड हिज कस्टमर्स राइट ईयर। दीपचंद जो एक एक ग्राहक की बाल काट रहा था, ग्राहक के ऐसा सुनते ही उसे एक धक्का लगा आश्चर्य का और एकदम काटते हुए उसने उस ग्राहक का कान भी काट लिया, मतलब थोड़ा सा वहां पे कान को उसकी कैंची लगी। द कस्टमर येल्प विद पेन एंड डिस्ट्रेस, और वो ग्राहक उस दर्द में चिल्लाया। बिकॉज ऑफ द कट एंड डिस्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज ही हैड जस्ट हर्ड, पर वो ग्राहक जो है वो चिल्लाया सिर्फ इस दर्द की वजह से नहीं तो उस समाचार से भी वो सहम गया कि क्या पीपल नगर बैंक डूबने वाला है। ऐसा सोचकर वो भी उसने भी एक चिल्लाहट करी। विश विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेवन, और एक बाजू उसकी दाढ़ी बची हुई थी, उसी अवस्था में उसने क्या किया, ही स्पेड अक्रॉस द रोड टू द जनरल मर्चेंट स्टोर वेयर देयर वॉज अ टेलीफोन। और उस वो ग्राहक जो है वहां से उठा नाई की दुकान से और रास्ते के दूसरे बाजू में जहां पर एक किराने की दुकान थी उस दुकान में एक टेलीफोन था, वहां पर वो गया। ही डायल्ड सेठ गोविंद राम नंबर, द सेठ वॉज नॉट एट होम, वेयर वॉज ही देन, द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर। Oh, was that so? और उसने सेठ गोविंद राम को फोन लगाया, पर घर पे उसे समाचार मिला कि सेठ गोविंद राम तो यहां पर नहीं है, तो कहां पर है उन्होंने पूछा, तो उस ग्राहक को पता चला कि सेठ गोविंद राम तो कश्मीर में छुट्टियां मना रहे हैं। Oh, was that so? तो ऐसी बात है। The elderly gentleman did not believe it. He hurried back to the barber shop and told Deepchand. The bird has flown, said Govind Ram has left town. Definitely it means a collapse. And then he dashed out of the shop, making a beeline for his office at jail. Okay. और इसने क्या किया? वो दौड़ता हुआ फिर वापस दीपचंद की दुकान में आया और वो कहने लगा, उस नाई से उसने कहा, देखिए पंछी तो उड़ चुका है, अब सेठ गोविंद राम जो है वो ये शहर छोड़ गए, वो तो शहर छोड़ के कब के चले गए, अभी लगता है बैंक डूबने वाली है, इसीलिए उन्होंने अपने हाथ धो के भाग लिए। और ऐसा कहते ही उसने क्या किया, अपना मुंह साफ किया और वहां से वो अपने ऑफिस की तरफ तड़ाक बोल के भाग गए। द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर, और ये आग की तरह ये जो समाचार था वो पूरे बाजार में फैल गया। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स इट ट्रेवल टू द शॉप, सर्कुलेटेड अमंग द कस्टमर एंड देन स्प्रेड विद इट फिट विद देम इन वेरियस डायरेक्शंस टू द बेल बीटल सेलर, द टेलर, द फ्री वेंडर, द ज्वेलर, द बेगर सिटिंग ऑन द पिन। और इसी तरह से वो किराने की दुकान से उसके ग्राहक तक और ग्राहक से दूसरे दुकानों तक, पान वाले तक, पान के ठेले तक, या फिर दूसरी दुकानों तक, और यहां तक कि वहां पे भीख मांग रहे भिखारी तक, सबको ये समाचार ज्ञात हुआ, सबको इस समाचार के बारे में पता चला। ओल्ड गणपत द बेगर हैड अ क्रूकेड लेग, और एक जो भिखारी वहां था जिसका नाम गणपत था वो बहुत ही बूढ़ा और उसका एक पैर भी थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था। He had been squatting on the pavement for years, और वो उसी रास्ते पर बैठता था, स्क्वाट मतलब बैठना, वो उसी रास्ते पर बैठकर भीख मांगा करता था सालों से, calling for alms, alms मतलब ALMS, alms मतलब भीख मांगना। Okay. In the evening, someone would come with a barrow and take him away. और शाम में
कोई एक हाथ से धकेलने वाली गाड़ी लेकर आता, उसको उस पर बिठाता और उसके घर तक ले जाता। He had never been known to walk, और किसी ने भी उसको कभी भी चलते हुए नहीं देखा था। But now, on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone, leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. कभी भी किसी ने भी गणपत को चलते हुए भी नहीं देखा था, पर जैसे ही उसे समाचार बैंक के बारे में समाचार मिला, गणपत तड़ाक से उठ खड़ा हुआ और सिर्फ खड़ा ही नहीं हुआ तो अपनी जितनी जोर से हो सके वो भागने लगा, बहुत जोरों से वो भागने लगा बैंक की ओर। इट सून बिकेम नोन दैट ही हैड 1000 रुपीज इन सेविंग, और सबको बहुत ही जल्दी पता चल गया कि उसके भी खाते में, उसने बैंक में उसके खाते में 1000 रुपए की सेविंग जमा की है, मतलब 1000 रुपया उसने जमा किया है, ये सबको पता चल गया। Men stood in groups at streets, corners discussing the situation. और लोग अभी जहां जगह मिले वहां पर ये समाचार एक दूसरे को सुना रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे। People never seldom had a crisis, seldom or never had floods, earthquakes or droughts, and the imminent crash of the People Nagar Bank set everyone talking and speculating and rushing about in frenzy. People Nagar एक ऐसा कस्बा था, शहर था, जहां पर लोगों ने कोई भी आपदा कभी भी नहीं देखी थी, ना वहां कभी बाढ़ आई थी, ना वहां पर कभी कोई घटना घटी थी या दुर्घटना हुई थी, ना वहां पे कभी भूकंप आया था, कुछ भी नहीं हुआ, ना वहां पे कभी कोई अकाल आया था, तो कोई भी आपदा नहीं होने की वजह से पहली बार बैंक डूबना ये बहुत बड़ी आपदा उन्हें लग रही थी, और इसी के लिए गांव में, शहर में, जिधर उधर लोग सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे थे, और नहीं सिर्फ बात कर रहे थे बल्कि वही 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 बातें फिर से दोहरा रहे थे। Some boasted of their far-sightedness, congratulating themselves on having already taken out their money, or on never having put any in. कुछ लोग तो खुद को शाबाशी भी देने लगे कि देखिए हमें पहले ही पता चल चुका था, इसीलिए हमने बैंक से सारे पैसे पहले ही निकाल दिए थे, या फिर कुछ कुछ लोग तो खुद को इसीलिए शाबाशी दे रहे थे कि उन्होंने कभी बैंक में खाता ही नहीं खोला और ना ही कभी पैसा उसमें डाला, इसी के लिए लोग अपने आप को शाबाशी दे रहे थे। Others speculated on the reasons of crash, putting it all down to excesses indulged in the saint Govind Ram. कुछ लोग गोविंद राम की बहुत ज्यादा उसमें बैंक में इन्वॉल्वमेंट को दोषी मान रहे थे कि उन्होंने ज्यादा इस चीज को, इसकी चीज के अंदर नहीं जाना चाहिए था, उन्होंने बैंक को वहां पे काम करने वालों के लोगों के भरोसे पे छोड़ना चाहिए था, ऐसा वो लोग मान रहे थे। द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट, सेठ वन, और एक ने बताया कि सेठ ये राज्य छोड़कर चले गए हैं। ही हैड फ्लेड द कंट्री, कुछ लोगों ने बताया कि वो देश से भाग चुके हैं। He was hiding in People Nagar, said the third. और तीसरे ने बताया कि वो पीपल नगर में ही है पर छुप रहे हैं। He had hanged himself from the tamarind tree, said the fourth, and had been found that morning by the sleeper boy. और कुछ चौथे ने बताया कि उसने खुद को उस इमली के झाड़ पर ही फांसी लगा ली और वहां पे जो झाड़ू मारने वाला लड़का है उसी को उसकी लाश मिली। अभी कोई जिसके मन में जो आए वो बोला जा रहा था, वही बका जा रहा था, कोई किसी भी बारे में क्या असल में हुआ है इसके बारे में सोचने की नहीं, उसके बारे में पता करने की किसी को फिक्र थी। By noon, the small bank had gone through all its ready cash, और दोपहर तक बैंक में जितना भी पैसा था, कैश था, वो सब खत्म हो चुका था। And the harassed manager was in dilemma, और वो जो मैनेजर, लोग आकर मैनेजर से पैसा पूछने लगे,
उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं। एमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर बैंक सम 30 माइल्स डिस्टेंस एंड ही वाज़न्ट श्योर ही कुड पर्सुएड द क्राउड टू वेट अंटिल देन। और अभी इसी वक्त अगर आपको पैसा चाहिए था तो 13 मील दूर जो दूसरे गांव में बैंक था वहीं से पैसों की व्यवस्था हो सकती थी, पर लोग इतनी देर रुकने के लिए तैयार होंगे? बिल्कुल नहीं। उसे नहीं लग रहा था कि लोग इतनी देर तक रुकेंगे। एंड देयर वाज नो वे ऑफ कंटेनिंग कॉन्टेक्टिंग सेठ गोविंद राम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर। और सेठ गोविंद राम को इस बारे में बात करने का कोई जरिया ही नहीं था। उनको कैसे बताया जाए कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि वो तो कश्मीर में थे, वहां पर उनसे बात होना बड़ा ही मुश्किल था। पीपल वर टर्न्ड बैक फ्रॉम द तो चलिए आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। आप मुझे लगता है, आशा करता हूं कि आपको जितना लेसन हमने अभी पढ़ा है उतना समझ में आया है। तो इसका बचा हुआ भाग और वर्कशॉप, ये दोनों हम अगले पीरियड में करते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस पाने के लिए, फ्री में पाने के लिए पवन वाग अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।